नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। डबरा देहात थाना क्षेत्र की 5 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि 14 वर्षीय पड़ोसी नाबालिग युवक है। मध्य प्रदेश में महिला अपराध और मासूमों से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला डबरा के आदिवासी परोठा दफाई में रहने वाली एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी कोई और नहीं, पीड़िता का पड़ोसी 14 साल का नाबालिग लड़का है। उसने ही इसे घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। पिता की तहरीर पर डबरा देहात पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। डबरा देहात पुलिस के मुताबिक पीड़िता को आरोपी ने टॉफी खिलाने के बहाने बुलाया और हवस का शिकार बना डाला। आरोपी उसे पूसा वाले कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद बच्ची घर लौटी तो परिजनों को पूरी घटना बताई गई। डबरा से ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। अच्छा, पड़ोस। आपको ये जानकारी कब मिली थी, किसके माध्यम से मिला? मेरे भानेज ने बताया, मेरी लड़की को चिंगा नाम का लड़का लेके गया है और उसके साथ में किया, उसने वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपके प्रति? मेरे पुलिस को मैंने बताया कि ऐसी घटना हुई है, क्या इंसाफ चाहते हो? क्या कार्रवाई होना चाहिए इस दरिंदे के ऊपर? बहुत ही कठिन होना चाहिए, बहुत जैसी भी और किसको लगती है कि फांसी की सजा भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे मेरी बच्ची के साथ में हुआ है, कि किसी के साथ में ना हो। झाड़ू उठाने गई, एक चिकनी चिल्लाने की आवाज़ आई नहीं आ रखा थी, उसे देखा तो मैं गई अंदर, तो मैंने देखा तो खाट पे पड़ी थी नियार का, उसके ऊपर एक लड़का था, उसका लवर घुटने तक था, उसकी नियार लड़की की चड्डी जहाँ तक थी पंजे तक, उसे मैंने देखा, उस नियार का उठाई, उसमें दो चांटे फड़कारे वो तो और भाग गया। उसे भाग के बाद मैं नियार का घर पे छोड़ने गई, तानो वो लड़का था फाई में भाग गया। कौन लड़का था? वो कहाँ रहता था? घर के पास में। फिर आपने परिजनों को कैसे? हमला है, 5 साल की बच्ची है आदिवासी की, और आदिवासी के उसी के पड़ोस में रहने वाला लड़का था 13-14 साल का, तो उसके द्वारा गलत काम करना बताया, उसने एफ आई आर कर ली है और मेडिकल में भी भेजा रहे बच्ची। कौन था ये आरोपी और क्या? आरोपी पड़ोसी है उसका, रहने वाला पड़ोस में रहता था, उसका नाम है छिंदा बोलते, छिंदा नाम है उसका। तो क्या पुलिस ने अभी पकड़ लिया उसको? क्या नहीं, अभी देखने के लिए लिंक करवाना।